नमस्कार, मैं हूं कनुप्रिया सत्तन और आप देख रहे हैं लाइव टीवी समाचार। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबर। योग दिवस के शुभ अवसर पर किया योग कार्यक्रम। गोड्डा जिला स्थित पत्थरगामा में नेहरू युवा केंद्र गोड्डा युवा कार्यक्रम में खेल मंत्रालय भारत सरकार के तत्वावधान में प्रखंड पत्थरगामा के विवाह भवन रंगाटाप पिपरा में जिला युवा अधिकारी श्री कुश कुमार के आदेशानुसार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन किया गया। इस अवसर पर क्लब के युवा सदस्य एवं छात्र छात्राओं को योग का प्रशिक्षण दिया गया। इस मौके पर पत्थरगामा के जिला परिषद सदस्य श्री अमित कुमार भगत ने योग के बारे में युवाओं को प्रोत्साहित किया एवं कहा कि योग सही तरीके से जीने का विज्ञान है और इसलिए इसे दैनिक जीवन में शामिल किया जाना चाहिए। जिला वुशु संघ के सचिव दीपक सिंह ने कहा कि योग हमारे शरीर में होने वाली बीमारियों से निजात दिलाता है और जीने का एक तरीका भी है। नेहरू युवा केंद्र गोड्डा के राष्ट्रीय युवा स्वयं सेवक गायत्री कुमारी ने कही कि योग से अस्थमा, मधुमेह, रक्तचाप, गठिया, पाचन विकार संबंधी बीमारियों में चिकित्सा में एक सफल विकल्प है। खासतौर से जहां आधुनिक विज्ञान आज तक सफल नहीं हुआ है, योगाभ्यास से सभी बीमारियों को जड़ से फेंकने का काम किया जा सकता है। योगाभ्यास कार्यक्रम समाप्त होने के बाद झारखंड राज्य सब जूनियर विश्व चैंपियंस में बेहतर प्रदर्शन कर लौटे गोल्ड मेडल प्राप्त खिलाड़ी गुंजा कुमारी, सिल्वर मेडल प्राप्त खिलाड़ी राखी कुमारी, मनीषा कुमारी को प्रोत्साहित कर उपहार दिया गया एवं उन्हें प्रोत्साहित किया गया कि इसी तरह से आप बेहतर प्रदर्शन करते रहें। मौके पर ग्राम पंचायत पिपरा के मुखिया राधा रानी महतो, पूर्व मुखिया भानु प्रकाश, पूर्व एनवाईवी दीपक कुमार दास, जिला गतका कोच शैलेश कुमार, गौतम कुमार, वीरेंद्र कुमार, सुलोचना कुमारी, राजरानी, सीमा, भवानी, नीतीश, चंद्र प्रकाश, अनु, पूजा, बसंती, काजल, सुमन आदि मौजूद रहे। गोड्डा से संवाददाता सुमन सिंह। आप छोटे बगीचे और अशोक मित्रा अशोक संचालन नाम है पिछले लोग वाइफ सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व। अभी के लिए बस इतना ही, बाकी खबरों का सिलसिला लगातार रहेगा जारी। अगर आप रहना चाहते हैं हर वक्त अपडेटेड, देखते रहिए लाइव टीवी समाचार।